वैसे तो स्पीकरों के मार्केट में कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके स्पीकर काफी बढ़िया हैं, लेकिन जब भी हम मार्केट में स्पीकर लेने जाते हैं तब हमें JBL का नाम जरूर कंसीडर किया जाता है। कैसे JBL इतना बड़ा नाम बना, कैसे हुए JBL की शुरुआत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। JBL के फाउंडर जेम्स बुलोंग लैंसिंग थे जिनके नाम के इनिशियल्स पर ही कंपनी का नाम पड़ा। जेम्स बुलोंग लैंसिंग का जन्म 14 जनवरी 1902 को मैकोपिन काउंटी निलवुड में हुआ। लैंसिंग के फादर एक कोल माइनिंग इंजीनियर थे जिसके कारण उनकी फैमिली कभी कहीं रहने चल जाती तो कभी कहीं। लैंसिंग ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई लॉरेंस स्कूल स्प्रिंगफील्ड से की है एंड अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल से। लैंसिंग का इंटरेस्ट शुरू से ही इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल चीजों में रहा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने एक लेडन जार बनाया था सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने दोस्तों पर प्रैंक्स खेल सके। 1 नवंबर 1924 को लैंसिंग की मदर की डेथ के बाद लैंसिंग ने अपना घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए रहने के लिए सॉल्ट लेक सिटी चले गए। सॉल्ट लेक सिटी में रहने के साथ वे वहां जॉब करते थे बेल्डविल लाउडस्पीकर कंपनी में, जहां पर काम करते हुए उनकी मुलाकात कैन डेकर से हुई। लैंसिंग एंड डेकर कुछ टाइम तक बेल्डविल लाउडस्पीकर में जॉब करने के बाद साथ में एलए शिफ्ट हो गए, जहां उन दोनों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी करी लाउडस्पीकर मैन्युफैक्चर करने के लिए, लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी के ज्यादातर कस्टमर सिर्फ रेडियो सेट मैन्युफैक्चर करने वाले थे। कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स में सिर्फ 6 से 8 इंच के लाउडस्पीकर ही थे जो ज्यादातर लग्जरी कार्स के रेडियोस में इस्तेमाल होते थे। 90s के टाइम की सबसे बड़ी कंपनी मेट्रो गोल्डविन मेयर के साउंड डिपार्टमेंट के हेड डगलस शेरर उन लाउडस्पीकर से डिसेटिस्फाइड थे जिससे कंपनी इस्तेमाल करती थी। इसलिए डगलस के विचार के कारण एमजीएम स्टूडियो ने खुद के नए लाउडस्पीकर डेवलप करने का डिसाइड करा। तब एमजीएम स्टूडियो में काम करने वाले एम्प्लॉयज की टीम ने एक लाउडस्पीकर डेवलप करा था लैंसिंग की कंपनी के साथ मिल करके, जिसे शेरर हॉर्न कहा जाता था। शेरर हॉर्न ने एक तरह से मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। साल 1936 में शेरर हॉर्न ने एकेडमी साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड रिसीव करा था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से। साल 1939 में लैंसिंग के बिजनेस पार्टनर कैन डेकर की डेथ हो गई एक एयरप्लेन क्रैश के दौरान, जिससे वह खुद पायलट कर रहे थे। कैन की डेथ के बाद कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक हो गई, जिसके बाद साल 1941 में कंपनी को आल्टेक सर्विस कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया। आल्टेक सर्विस कॉर्पोरेशन ने कंपनी का नाम बदलकर आल्टेक लैंसिंग कर लिया। लैंसिंग ने कंपनी को ना छोड़ते हुए कंपनी के साथ एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग के पद को संभाल लिया। जब आल्टेक कॉर्पोरेशन ने लैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर करा था, तब कंपनी ने एक शर्त रखी थी कि लैंसिंग आप किसी भी तरह से स्पीकर से जुड़े हुए बिजनेस को दोबारा नहीं शुरू करेंगे कम से कम 5 साल तक। जब साल 1946 में लैंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तब लैंसिंग ने एक नई कंपनी की शुरुआत करी लैंसिंग साउंड इंक की, जिसका नाम बदलकर जेम्स बेलोंग लैंसिंग साउंड हुआ और बाद में JBL नाम रख दिया गया। साल 1946 में लैंसिंग साउंड ने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, जो कि था एक 15 इंच का लाउडस्पीकर मॉडल D101 एंड एक हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर मॉडल D175। मार्गरेट कॉर्पोरेशन ने कंपनी को अर्ली मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एंड अर्ली इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी थी और साल 1948 में मार्गरेट कॉर्पोरेशन ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। लेकिन अगले साल ही जनरल टायर कंपनी ने मार्गरेट कॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया। जनरल टायर कंपनी का लाउडस्पीकर बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लैंसिंग के साथ कई मीटिंग्स करने के बाद लैंसिंग ने लैंसिंग साउंड इंक को जेम्स बेलोंग लैंसिंग इनकॉर्पोरेशन करके दोबारा से कंपनी के ऑपरेशंस को शुरू कर दिया। लैंसिंग बहुत शानदार इनोवेटिव इंजीनियर तो थे, लेकिन बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं थे। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ तक कि लैंसिंग इनवॉइस के चार्जेस एंड शिपिंग चार्जेस को पे कर पाने की हालत में नहीं थे। कंपनी की ऐसी कंडीशन के कारण और अपने कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण लैंसिंग ने 4 सितंबर 1949 को सुसाइड कर लिया। तब बिल थॉमस, जो पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, कंपनी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। थॉमस ने लैंसिंग के एक तिहाई हिस्सेदारी खरीद ली और कंपनी के मालिक बन गए। जैसे ही कंपनी की बागडोर थॉमस के हाथ में आई, कंपनी की हालत सुधरने लगी और अगले 2 दशकों तक कंपनी एक जाने माने नाम के साथ मार्केट में अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। साल 1955 में आल्टेक लैंसिंग कॉर्पोरेशन के साथ चलते वाद विवाद के कारण कंपनी का नाम जेम्स बेलोंग लैंसिंग साउंड इनकॉर्पोरेट से बदलकर JBL कर दिया गया। फिर साल 1969 में बिल थॉमस ने कंपनी को जार्विस कॉर्पोरेशन, जो कि आज
हार्मन इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, उसे सेल कर दिया। वैसे तो लाउडस्पीकर मार्केट में कई सारे दिग्गज प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन इतना लंबा सफर तय करके घर घर अपनी पहचान बनाना कोई छोटी बात नहीं है। जब भी मार्केट में मौजूद बेस्ट स्पीकरों की बात होगी, उसमें JBL के स्पीकरों का नाम जरूर शामिल होगा।